जीत बीजेट जमीर अहमद खान की जीत है, ये जीत इकबाल हुसैन की, ये जीत जनरल हरीश के, चंद पटना के मुसलमानों की जीत। पंचर डालने वाले क्या क्या कर सकती है, वेल्डिंग करने वाले क्या क्या कर सकती है, क्या साबित कर रही हमारी कम बोले, हमारी कम पूरी एक हो पंचर बरगा डाली उसे। दो चार दिन हमारे खाई जमीर अहमद खान साहब जो चनपटना को आकर जो 20% वोट जेडीएस को जा रहा था वो कांग्रेस की तरफ लाने में उनका अहम रोल अदा हुआ है। दिख रहा है आपकी आवाज, आज जो है चनपटन का जो बाय इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट को लेकर जो है यहाँ पर जो है सीपी योगेश्वर जो है तकरीबन 25,000 से ज्यादा यहाँ पर लीडिंग में है, और यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है आप जैसे के देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है वो उभर आए हैं, यानी के सीपी योगेश्वर के हक में जो है यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में जब निखिल कुमार सामी को जो बढ़ोतरी आई थी थोड़ी बहुत, तब जो है यहाँ पर बीजेपी और जेडीएस वाले जो है लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे थे, अब वो यहाँ पर कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ कितनी भी दूर देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो तमाम यहाँ पर है। तो चलिए कुमार सामी के जो इलेक्शन के बाद में जो स्टेटमेंट थे जिस तरीके से उन्होंने पंचर वाले ये वाले वो वाले टायर वाले कर जिस तरीके से उन्होंने बताया था, आज जो है उसका नतीजा यहाँ पर जो है नजर आ रहा है। लगातार जो है तीसरी बार भी कहीं ना कहीं निखिल कुमार स्वामी को हैट्रिक यानी कि हैट्रिक हार का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ के कुछ लीडर्स हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है इस भरपूर जीत जो सीपी योगेश्वर की जीत है उस जीत को लेकर यहाँ के लोग क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चनपट्टान के आवाम जो भी हमारे आवाम के जितने भी हमारे कौम के आदमी आए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज ये इलेक्शन के रिजल्ट के वास्ते जो भी मेहनत पड़ी हर आदमी चाहे जो भी पार्टी में रहो हमारे कौम के आदमी जो आज वोट डाल को कांग्रेस को इतनी बड़ी बहुमत से जिताने का जो कारण हुए हमारे इकबाल हुसैन साहब रामनगर के MLA और कर्नाटका के टाइगर बीजेट जमीर अहमद खान यने हारिस साहब और दूसरा जो भी लीडर यहाँ पर आकर जो काम करे जो योगेश्वर के वास्ते जो काम करे उनकी जीत का सहरा इन लोगों के ऊपर हमें देते हुए इनको पूरे हमको शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेट जमीर अहमद खान हमारे टाइगर इकबाल हुसैन और हमारे टाइगर और एक हारिस साहब जो भी आए बीजेट जमीर अहमद खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रिजवान अरशद साहब जो भी आए यहाँ पर हमारे कैनवस के लिए हमारे कैंडिडेट को जिताने उनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए इकबाल भैया तुम्हें जीती से ये जीत बीजेट जमीर अहमद खान की जीत है, ये जीत इकबाल हुसैन की, ये जीत जनरल हरीश के, चंद पटना के मुसलमानों की जीत। अस्सलाम वालेकुम। चंद पटना भी आवाम का कितना शुक्रिया अदा करे तो भी कम भी हमें क्या कहते कुमार स्वामी को अच्छा सबक सिखा पाई उन्हें क्या बोलिया पंचर डालने वाले और रीडिंग के काम वाले रीडिंग के वाले पंचर वाले स्ट्रक वाले उन्हों पूरा काम उसका चुका को ही और जिंदगी में उन्हें किसी को बोलता नहीं ऐसा पंचर डाल को ही उसे वो प्याज जैन छोड़िए नहीं वो पंचर डाल जैन जी छोड़िए नहीं वो और पूरे काम करी लेकिन और हमारे चनपटना तालुक के गौड़े और पूरे जात के आदमी उनके हर आदमी भी कांग्रेस को वोट देखो हर आदमी भी हर कांग्रेस को वोट देखो तो योगेश को 30,000 वोटों से लीड देखो 30,000 वोटों से लीड दी पंचायत डालने वाले आज क्या करते हैं लोगों को साबित हो गए कुमार स्वामी को रंदे निखिल को रंदे जेडीएस पार्टी को
पंचर डालने वाले क्या क्या कर सकती है, वेल्डिंग करने वाले क्या क्या कर सकती है, मुझे आज साबित कर गई हमारी कम बोलो, हमारी कम पूरी एक हो पंचर पर डाली उसे पूरी वेल्डिंग की क्या जैसे मेरी वेल्डिंग का काम वाला भयंकर क्या ऐसा टाका डाली जिंदगी में याद रखने वाला टाका। आज चनपटना का भाई इलेक्शन का रिजल्ट जो सामने आ रहा है, इसमें फिरका परस्तों की हार और सेक्युलरिज्म की जीत है। आज पूरे चनपटना तालुक के अंदर पूरे वक्तलीगास में 40% और दलितों में 80%, ओबीसी में 80% और मुस्लिम्स में 95% एक होकर अब जो वोट दिए उसका रिजल्ट आज सीपी योगेश्वर की जीत है। कुमार स्वामी को जो ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है और ये पंचर डालने वाले, ये टायर बेचने वाले, ये गुजरी वाले को बोल के जो बोला उसका ये मुंह तोड़ जवाब आज मुस्लिम कौम ने उसको दिया है। मुस्लिम कौम के वोटों से यह सीपी योगेश्वर जीत रहा है। इसका पूरा इसका लिमिट जो जाता है हमारे रामनगर के एमएलए जनाब इकबाल हुसैन साहब जो 15-20 दिन यहाँ पर कैंप करके ठिकाना लगा के अखिलेशों को ये किए और लाश के 2-4 दिन हमारे खाई जमीर अहमद खान साहब जो चनपटना को आकर जो 20% वोट जेडीएस को जा रहा था वो कांग्रेस की तरफ लाने में उनका अहम रोल अदा हुआ है। इसी हारिस साहब इस बार अरशद साहब जितने भी केपीसीसी के मुस्लिम सबका इसमें अहम रोल रहा है।